वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 15। फर्स्ट पार्ट गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरिया आर गिवन बाय। आपने पॉसिबल एक्सप्रेशन लिखना है लेंथ और ब्रेथ के लिए। एरिया दे रखा है, दिस एरिया इज गिवन बाय द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है। आपने क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल और क्यूबिक पॉलीनोमियल को एक्सरसाइज पहले भी 2.3 में फैक्टराइज किया है, तो ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल को। आपने बताना लेंथ और पॉसिबल एक्सप्रेशन लेंथ और ब्रेथ क्या होगी। एरिया किसके इक्वल होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। और क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के फैक्टर्स भी कितने बनते हैं, दो ही बनते हैं, तो एक लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा और एक ब्रेथ को। इसलिए हमें इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो कैसे करेंगे, एरिया हमारे पास दे रखा है 25a² माइनस 35a प्लस 12। मिडल टर्म स्प्लिटिंग से हम इसको फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। वन इज लेंथ, सेकंड इज ब्रेथ। देखेंगे कैसे, आपको पता है हमें जो कांस्टेंट होता है उसको जो पावर होती है x की स्क्वायर या a की स्क्वायर उसे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने से कितना आ गया, 300। अब हमने 35 बीच वाली टर्म को जिसकी जो पावर 1 होती है, वेरिएबल यहां पे कितना हमारा a है, इसकी पावर 1 है, बीच वाली टर्म को हमने दो नंबर्स में ब्रेक करना है, जिनको मल्टीप्लाई करें तो 300 आए और ऐड करें तो 35 आए वो नंबर्स। इसके लिए आपकी टेबल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। दूसरा मेथड क्या है, इसको मल्टीप्लाई किया 300, इसकी फैक्टराइजेशन कर लो, तो हमारी ये आ गई 2 × 2 × 2 × 5 × 5। तो इसकी पेयरिंग बना लो, है थोड़ा लेंथी है, दिक्कत हो जाएगी। इसके लिए बेटर यही है, आपको टेबल आनी चाहिए। तो हम एक तो मैंने ये पेयर बना लिया 5, 3, 15 और एक 20। एक 5, 3 = 15, 5, 2 = 10, 2 = 20, 20 और 15। 20 और 15 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 300 आता है और ऐड करते हैं तो 35 आता है। तो 20 और 15 हमारे पेयर्स हो गए, 25a² माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12। ठीक है, ध्यान दें इधर, यहां से हमने क्या को मना रहा है, 5 को मना रहा है 5a, तो यहां पे क्या बचा 5a माइनस 4। यहां पे कॉमन क्या आ रहा है, 3 को मना रहा है इन दोनों नंबर में से, 5a माइनस 4 श्योर है, जो यहां पे फैक्टर आता है वो यहां पे आएगा, अदरवाइज क्वेश्चन फिर आपका गलत हो जाएगा। 5a माइनस 3। ठीक है, तो 1 रिप्रेजेंट लेंथ, अदर इज ब्रेथ। 1 पॉसिबल आंसर इज लेंथ इज इक्वल टू 5a माइनस 3 और ब्रेथ 5a माइनस 4, क्योंकि लेंथ ब्रेथ से बड़ी होती है, तो 5a माइनस 3 इससे क्या है, बड़ा है, 5a माइनस 3 इससे क्या है, ग्रेटर है, तो लेंथ कितनी हुई हमारी 5a माइनस 3 और ब्रेथ की हुई 5a माइनस 4। क्वेश्चन नंबर 16 सेकंड पार्ट देखिए, व्हाट आर पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बाय। वॉल्यूम दिया हुआ है हमारे पास इस पॉलीनोमियल की फॉर्म में, और वॉल्यूम आपको पता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, एल इंटू बी इंटू एच के इक्वल होता है। तो 1 रिप्रेजेंट लेंथ, अदर रिप्रेजेंट ब्रेथ और थर्ड रिप्रेजेंट हाइट। तो हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, ये वॉल्यूम है। तो राइट द पॉसिबल एक्सप्रेशन, डायमेंशन क्या होती है क्यूबॉइड की, लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो फैक्टराइज करेंगे, वॉल्यूम हमारे पास दे रखा है 12k y² प्लस 8ky इस पॉलीनोमियल की फॉर्म में दिया हुआ है। देखेंगे कॉमन हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है, k भी कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा 3y² प्लस 2y माइनस 5, ये हमारे पास बचा।
ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बच गया। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे जो कि आप पहले कर चुके हैं, 5 3 15, तो दो नंबर्स में ब्रेक करेंगे, ऐड करेंगे तो 2i, मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आए। तो फैक्टर्स कौन कौन से हमारे, 5 एंड 3, 5 3 15 और 5 में से 2 जाएंगे माइनस तो 2 बच जाएगा, 3y2 प्लस 5y माइनस 3y। ध्यान देखिए 5 माइनस 3 क्या, तो 2 प्लस का बच गया ना -5, 4k, देखो यहां पे कॉमन क्या आया, y कॉमन आ गया, 3y प्लस 5 माइनस 3y प्लस 5, तो 4k 3y प्लस 5 y माइनस 1, तो 1 पॉसिबल आंसर। एक हमारा पॉसिबल क्या हो सकता है आंसर, लेंथ इज इक्वल टू 4k, ब्रेथ इज इक्वल टू 3y प्लस 5, और हाइट इज इक्वल टू y माइनस 1। तीनों को l इंटू b इंटू h क्या होता है, वॉल्यूम होता है। इट मीन्स हमें इसको क्या करना था, फैक्टराइज करना था।